खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। साध्वी दुष्कर्म कांड में सरकार ने की त्वरित कार्रवाई, प्रदीप यादव। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि साध्वी दुष्कर्म कांड में सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई है, इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गोड्डा पुलिस प्रशासन ने घटना के 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस कांड में लिप्त तीसरा आरोपित भी पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। विधायक शुक्रवार को सदर प्रखंड की रानीडी पंचायत अंतर्गत पथवारा कठोन के बीच टाडावार मैदान में अवस्थित सत्संग आश्रम के साधकों और साध्वी माताओं से भेंट की और पीड़िता साध्वी को त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया। 158 बोतल शराब के साथ गोड्डा के 5 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने हरेरामपुर मोड़ के नजदीक विदेशी शराब सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पांचों के पास 158 बोतल विदेशी शराब मौजूद था। धनकुंडा थाना अध्यक्ष बुद्धदेव पासवान ने बताया कि सभी शराब तस्कर एक मारुति कार में शराब लेकर धोरैया नवादा मार्ग होते हुए भागलपुर जा रहे थे। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने हरेरामपुर मोड़ के पास वाहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को देखकर तस्कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाहन की जाँच में 158 बोतल शराब जब्त की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए शराब तस्कर झारखंड के गोड्डा जिला के पोड़ियाहाट प्रखंड में हरियाली अंतर्गत मठियानी गांव के निवासी प्रधान सोरेन, सुमित मुर्मू, देवनारायण मुर्मू, फनीराम मुर्मू एवं मोमेन मुर्मू हैं। पूछताछ के दौरान शराब तस्कर ने बताया कि वो शराब लेकर भागलपुर जा रहे थे। पुलिस ने शराब उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। कार्यकर्ताओं ने गोड्डा सांसद से कहा, जदयू नहीं दे रहा है भाव। गोड्डा के भाजपा सांसद ने धोरैया का किया दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दलीय प्रत्याशी देने की मांग उठाई। शुक्रवार को गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने धोरैया का दौरा कर बड़सार एवं कुर्मा शक्ति केंद्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि धोरैया के लोगों के लिए सोनौर और उर्कुशिया में पुल का निर्माण कराया। बाराहाट से पंजवारा होते हुए गोड्डा तक रेल लाइन जोड़ने के लिए सर्वे कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। भाजपा के वयोवृद्ध वरिष्ठ कार्यकर्ता उमाशंकर मिश्र ने धोरैया में अवैध बालू उत्खनन को लेकर सिंचाई की समस्या अवगत कराते हुए सांसद से गेरुआ नदी में चेक डैम का निर्माण कराने की बात कही। महागावा में 264 सहिया दीदियों को 2 वर्ष से नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। महागावा के पूर्व विधायक अशोक कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उपायुक्त गोड्डा को पत्र प्रेषित कर कहा कि गोड्डा जिला अंतर्गत महागावा प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में स्वास्थ्य सेवा में लगी 264 सहिया दीदी को 2 साल से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। उनके द्वारा क्षेत्र में प्रसव टीकाकरण, गृह भ्रमण, MSC जांच, काला ज्वर, TB मरीजों को दवाई लिखने के कार्य एवं COVID-19 के कार्यों के साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को नियमित रूप से काम किया करती है, परंतु पिछले 2 वर्षों से प्रसव लाभार्थी कूपन, गृह भ्रमण, मिजिल्स, बूस्टर, ड्यूलिस्ट, ANC, TB एवं सैया प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। गोड्डा के पोड़िया प्रखंड में 900 लोगों को लिया गया स्वाब। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ियाहाट के द्वारा COVID-19 को लेकर शुक्रवार को मेगा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में तकरीबन 900 व्यक्तियों का स्वाब नमूना लिया गया। खास करके बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों का नाम पता लिखकर उनके स्वाब के नमूने लिए जा रहे हैं। जाँच शिविर के दौरान बस स्टैंड पर तकरीबन 300 लोगों को स्वाब के नमूने लिए गए। हटिया को देखते हुए दुर्गा मंदिर के पास 100 लोगों का, वही क्षेत्र में 250 लोगों का तथा हॉस्पिटल में तकरीबन 300 लोगों का स्वाब नमूने संग्रहित किए गए। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूरम रानी ने बताया कि इसमें RT-PCR ट्रूनेट एवर एंटीजन के तहत स्वाब के नमूने लिए गए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर दर्ज के सुनवाई के लिए स्वीकृत, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। रांची सिविल कोर्ट की जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट ने निशिकांत दुबे सहित तीनों को नोटिस जारी कर लिखित जवाब मांगा है। उन्हें 22 सितंबर को खुद या वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। मुकदमा को स्वीकार करने के
बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की। उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इमावरण विद्युत सब स्टेशन चालू होने से लोगों में जश्न का माहौल, 4 फीडरों से विद्युत पूर्ति शुरू। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत निमावरण में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन को चालू कर दिया गया है। सहायक अभियंता रामनाथ कुमार ने 5 MVA के 2 ट्रांसफर के चार्ज होने के बाद शुक्रवार को सुबह पावर सब स्टेशन में इसका शुभारंभ किया। बता दें कि साल भर से ये सब स्टेशन बनकर तैयार था, लेकिन ग्रिड और संचरण लाइन का कनेक्शन नहीं होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया जा रहा था। पथरगामा प्रखंड के निमावरण स्थित 3311 के भी विद्युत सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज कर वहां से 4 अलग अलग फीडर में विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है। उक्त विद्युत सब स्टेशन से निकलने वाले 4 फीडरों के उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे महेशपुर, बसंतराय, विसहा तथा कृषि फीडर से लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इधर विद्युत सब स्टेशन का विद्युत उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कोरोना काल की वजह से जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण विद्युत विभाग के सहायक नहीं आए। गोड्डा में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। उपायुक्त भोर सिंह यादव के दिशा निर्देश पर गोड्डा टाउन क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहन चालक पैदल चल रहे लोगों से बिना मास्क लगाकर आवागमन करने वालों को कड़ी हिदायत दी गई है। लोगों को कड़ी हिदायत देकर अगली बार मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के ऋतुराज ने इस दौरान कहा कि यह अभियान लगातार शहर में चलाया जाएगा। खबर देवघर से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे देवघर, हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह शनिवार को कुंडा स्थित निर्माणधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। वे दोपहर करीब 12 बजे देवघर पहुंचे, इसके बाद हवाई अड्डा निर्माण का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद से तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उड्डयन राज्य मंत्री के निरीक्षण के बाद यहाँ से विमानों के परिचालन के बाद निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान स्थानीय गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी उपस्थित थे। ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन मुस्तैद, तैयारी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। रेलवे बोर्ड के द्वारा आज से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 5.5 माह बाद ट्रेन चलाने की घोषणा से स्टेशन पर इंजन की सीटी सुनवाई देने लगेगी। कोरोना काल में ट्रेन का परिचालन ठप होने के जाने से स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर आम लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से स्टेशन की रौनक वापस आ जाएगी। स्टेशन के बाहर चाय, पानी, नाश्ता दुकानों के अलावा रिक्शा, टैक्सी, टमटम आदि से गुजर बसर करने वाले लोगों में हर्ष का माहौल है। ट्रेन के परिचालन की घोषणा से रेलवे द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। मधुपुर व देवघर स्टेशन से साप्ताहिक 1 ट्रेन खुलने वाली है। गुरुवार को मधुपुर से दोपहर 12 बजे से नई दिल्ली के लिए स्पेशल हमसफर एक्सप्रेस खुलेगी, जबकि देवघर से सोमवार को अगरतला के लिए ट्रेन रवाना होगी। इसके अलावा मुख्य रेल मार्ग पर दरभंगा सिकंदराबाद सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जिसका ठहराव जसीडीह व मधुपुर स्टेशन पर है। रेलवे के इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। स्टेशन पर COVID-19 को देखते हुए सारे नियमों का पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन तैयार है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।